नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है यौन शक्ति बढ़ाने में बेजोड़ गजब का प्रयोग, घोड़ी जैसी फुर्ती ला देगा यह प्रयोग। अगर आप ये जानना चाहते हो तो हमारा वीडियो अंत तक देखते रहें। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स, ऐसे उपाय या ऐसी जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर होते हैं। तो दोस्तों, आप हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आते हैं अपने टॉपिक पर, यौन शक्ति बढ़ाने में बेजोड़ गजब का प्रयोग, घोड़े जैसी फुर्ती ला देगा यह प्रयोग। दोस्तों, प्याज एक प्राकृतिक यौन शक्तिवर्धक और शीघ्र पतन को दूर करने वाला उपाय है। हम आपको ऐसा प्रयोग बता रहे हैं जो बिल्कुल सस्ता सा है, परंतु अगर आप इसको हर रोज करेंगे तो आप 100 साल की आयु में भी स्त्रियों के साथ संभोग कर सकेंगे और आपको कमजोरी नाम क्या होती है यह सब भूल जाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं बताता हूँ। प्याज, सफ़ेद या लाल शहद, यह दो चीज़ आपको चाहिए। बनाने की विधि, सबसे पहले प्याज का छिलका उतार लीजिए। अब इस प्याज पर किसी भी सिलाई की जो सुइयां होती हैं उससे 10 से 20 छेद कर लीजिए। सभी प्याज को में ऐसा ही छेद कर लीजिए। अब इन प्याज को किसी भी कांच के बर्तन में ढककर रख दीजिए। कांच का बर्तन को 3/4 तक शहद से 3/4 तक भर लीजिए। अब इस बर्तन में शुद्ध शहद को पूरा भर दीजिए। इसको 45 दिन तक किसी ठंडे स्थान पर ढककर रख दीजिए। 45 दिन के बाद आपका बेजोड़ शक्तिवर्धक उपाय तैयार हो जाएगा। इसको सेवन करने की विधि बताते हैं। हर रोज रात को सोने के एक घंटे पहले इस बने हुए मुरब्बे का एक नग खा लीजिए। इसको निरंतर खाने से आप में घोड़े से भी ज़्यादा बल आ जाएगा। शरीर में खून की पूर्ति होगी, चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाएगा और बुढ़ापे का अनुभव तो कभी नहीं होगा, आप हमेशा जवान रहेंगे। सावधानियाँ, खट्टी चीज़ें, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान, शराब आदि का सेवन ना करें। इस प्रयोग का पूर्ण फायदा लेने के लिए प्रयोग काल में प्रथम 25 दिन संभोग नहीं करें, उसके बाद आप कर सकते हैं। इसमें ऐसी ताकत है जिसके आगे सभी दवाई फेल हैं। आप इसको बनाने के बाद 45 दिन तक ही सेवन करें, क्योंकि यह 45 दिन के बाद खराब हो जाएगा। औषधि बनने के बाद आप इसे फ्रिज आदि में रख ले ताकि यह खराब ना हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको काम आएगी। और दोस्तों, अगर आपका को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल भी ना भूले। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स, ऐसे उपाय या ऐसे प्रयोग लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर होते हैं। तो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल देसी नुस्खे घरेलू उपाय अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।